हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारी माता जी से। ये है मेरी मम्मी, हाय राधा जी। हाउ आर यू मम्मी? फाइन। अभी दिवाली आ गई है और सफाई में तो मैंने कोई हेल्प नहीं की है एज यूजुअल, लेकिन अभी आधे दिन की छुट्टी मिली है तो मैं सोच रही हूँ कि हम दिवाली के लिए एक मिठाई तो इस बार घर पे बना लें। तो बनाएं कुछ? बनाना तो जरूरी है। तो हम जब छोटे थे तो मम्मी हमारे लिए मिल्क पाउडर के पेड़े बनाती थी, लेकिन ये उस टाइम का था जब ना यूट्यूब था ना कुछ था, क्योंकि हम भी बहुत छोटे थे, हम स्कूल में थे 5-6 साल के, है ना। तो आपको आइडिया कैसे आया ये मिल्क पाउडर के पेड़े बनाने का, जब आपने कहीं देखा था या सुना था या खुद से ही बना लिया? नहीं, मैंने खुद से ही बनाया था। मैं एक बार US गई थी और उस जमाने में US में भी मिठाइयाँ और ये सब नहीं बनता था। इंडियन मिठाइयाँ नहीं मिलती, इंडियन मिठाइयाँ मिलती भी नहीं थी। और किसी मेरी भतीजे की सगाई होने वाली थी तो कुछ मीठा बनाना था और इंडियन बनाना था, तो ये आइडिया मुझे आया कि दूध पाउडर के पेड़े बन सकते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे दूध के पाउडर के पेड़े। और इसमें लेकिन हल्का सा चेंज है, मम्मी ने जो बनाया था पहले और जो बचपन में हमारे लिए बनाती थी वो दूध पाउडर और शुगर का होता था, लेकिन अब मम्मी डायबिटिक है तो आज हम शुगर फ्री के साथ ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों में कितना टेस्ट का डिफरेंस है और क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या बोलोगे आप? इसकी चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना बहुत जरूरी है। पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच घी। ये 2 चम्मच में ये अच्छे से उसको पूरा पूरा भर के। अब जब तक ये घी गर्म हो रहा है हम ये जो है इसमें निकालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। आंच बिल्कुल स्लो करके, क्योंकि ये सीधा इसमें चिपकना शुरू हो जाएगा। मम्मी थोड़ी देर इसको चलाती हैं, तब तक मैं इलायची का पाउडर कर लेती हूँ। इलायची मम्मी ना ऐसे छील के ही रखती हैं, थोड़ी सी इलायची और थोड़े से बादाम भी हमने उबाल के रखे हैं, है ना। जब तक मम्मी ये करती हैं, मैं जो पाउडर है शुगर का उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। शुगर का बिल्कुल फाइन पाउडर कर दिया है मैंने। इसकी आंच बिल्कुल धीमी रखनी है ना, क्योंकि ये चिपकने लगता है बहुत जल्दी। बहुत ही जल्दी उसका चिपकता है और जल जाता है। जले हुए लड्डू नहीं खाने, पेड़े पेड़े जले हुए पेड़े नहीं खाने। लेकिन ये जो है वो ऑलरेडी मिल्क पाउडर स्वीट होता है, जो लैक्टोज होता है मिल्क में, दैट इज स्वीट। सो हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी ये थोड़ा स्वीट हो ही जाएगा दूध डालने के बाद, तो थोड़ा सा उसमें डालेंगे हम लोग शुगर पाउडर एंड शुगर फ्री पाउडर। शुगर फ्री पाउडर तो मैं मामा लेट मी डू। अब ब्रेक ले लो, मैं मिक्स करती हूँ। हमको बहुत वाइट नहीं पसंद है तो हम इसको थोड़ा और भूनते हैं। ये
लेकिन अब 2 साल कोविड के बाद कैसा लग रहा है दिवाली मना के? अच्छा ही लग रहा है। किसको अच्छा लगता है अकेले घर में बैठे? अकेले दिवाली मनाना, ना हग करना किसी को, ना गले मिलना ऐसे ही, या ना किसी को पैर पड़ना। ना किसी को पैर पड़ने से कोविड नहीं होता। दिवाली के दिनों में अगर कोई कहता भी था कि हम घर आना चाहते हैं तो हम डर जाते थे। अरे टेस्ट करवाया है या नहीं? Now things have changed and for the better. अभी भी है डर, कोविड के वेरिएंट्स आते रहते हैं, लेकिन मम्मी ने अपना बूस्टर शॉट ले लिया है, मेरा बाकी है। इसका जो है कलर ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो बादामी होने लगेगा। तो हाँ ये झटपट वाला है, लेकिन हम ये झटपट वाले को भी थोड़ा और लंबा कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। इसको ऑलमोस्ट हमने 5-7 मिनट भुना है। ये अभी 5-7 मिनट हमने भुना है इसको, और ये अभी हल्का सा आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, बट हल्का सा वो बादामी कलर होने लगा है इसका। तो दिस इज व्हाट वी वांट। और भी थोड़ा डार्क हो जाएगा तो अच्छी बात है। जो ये कप हमने लिया था मेजरमेंट का, उसी कप से मैंने 1 कप दूध निकाला है। ये 1 कप मिल्क है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको डालेंगे और देखेंगे कि ये इनफ है या नहीं। अगर फिर जरूरत लगे तो फिर थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। हम इसमें ये 1 कप दूध डाल रहे हैं। डालू थोड़ा थोड़ा? ये आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। अगर ज़्यादा दूध गिर गया तो फिर वो बाइंड नहीं हो पाएगा, पेड़ा नहीं बनेगा, हलवा बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का, इस लेवल तक आ जाए उतना ही आपको दूध डालना है। बहुत ज़्यादा उसको पतला नहीं कर देना है। तो हमने एक्चुअली 1 कप से कम ही दूध डाला है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते गए। अब इसमें जाएगी इलायची। ओके? अब हम इसको ठंडा थोड़ा होने देंगे बिफोर पुटिंग शुगर पाउडर। लेकिन हमको जो है वो थोड़ा बनाना है विथ शुगर फ्री नेचुरा, और थोड़ा बनाना है विथ शुगर। तो जितना हमको पहले डिवाइड कर देंगे तो शायद ठंडा जल्दी हो जाएगा। इसलिए अब जो है इतना मैं निकाल रही हूँ बोल में। ये है हाफ। इसमें हम डालेंगे शुगर फ्री नेचुरल, वो ठंडा होने देंगे। और इसे भी चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। ये है मेरा जिसमें जाएगी शुगर, ये है मम्मी का जिसमें जाएगा शुगर सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल स्वीटनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी है। ओके, अब आप इसमें कितने चम्मच डालोगे? ये देखते हैं, इसमें ऑलरेडी थोड़ी स्वीटनेस है, बहुत कम शुगर। हाँ तो इसमें मैं 2 या 3 चम्मच, इसके छोटे वाले जो होते हैं ऐसे 2 या 3 डालती हूँ। तो मैं ये 2 या 3 स्पून शुगर डालता हूँ। दैट इज बिगर ना, दिस स्पून इज बिगर। हाँ बट दिस इज इक्वल टू 1 स्पून ऑफ दिस। अच्छा, ऐसा लिखा होता है डब्बे पे। मुझे लगता है मैं अभी 3 चम्मच ये डालूंगी। ओके, तो एक हाथ से नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैंने कैमरा भी रख दिया है, और मैं अपना ये
मिक्स कर रही हूँ थोड़ा हाथ घी वाला करके, क्योंकि ये चिपकता है। इसमें हम शुगर मिक्स करते हैं। मैं अभी शुगर मिक्स कर रही हूँ, मम्मी ने तो गोल गोल करना भी शुरू कर दिया पेड़ों को, तो शुगर ही मिक्स नहीं हुई मम्मा। अब हम इसके ऊपर डिजाइन भी बनाएंगे, और वो डिजाइन की भी मम्मी की बचपन की ट्रिक है, हाउ टू मेक योर पेड़ा लुक लाइक दुकान वाला पेड़ा, हाउ टू मेक योर घर का दूध पाउडर का पेड़ा लुक लाइक दुकान का मावे वाला पेड़ा। अब मम्मी अपनी सारी प्लेट में रख रही है, और मैं अपने पेड़े सारे इसमें कढ़ाई में रख रही हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। सबसे पहले हम इसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, और वो डिजाइन जो है वो हम डिब्बी से बनाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो डिब्बी का बेस है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्के से दबा देंगे। देखो पेड़े वाली डिजाइन हो गई। इसमें पता कैसे चले कौन सा शुगर वाला है कौन सा शुगर फ्री है? तो जो शुगर फ्री है उस पे हम एक बादाम लगाएंगे, और जो शुगर वाले हैं उस पे हम दो बादाम लगाएंगे। अभी मैं आंखें बंद करती हूँ, ओके, और आप मुझे कोई भी खिलाओ और मैं गेस करती हूँ कि ये शुगर वाला है कि शुगर फ्री है। पक्की आंखें बंद है, पूरी बंद है, नो चीटिंग नो चीटिंग नो चीटिंग। ये शुगर वाला है? नहीं, ये शुगर फ्री था। अब मैं सोच रही हूँ मैंने क्यों बनाया शुगर वाला अपने लिए, इतनी कैलोरीज। दिवाली के बाद कितनी डाइट करनी पड़ेगी। तो आप भी बनाइए ये वाले पेड़े, आपको चाहिए तो शुगर वाले बनाइए या फिर शुगर सब्स्टिट्यूट वाले बनाइए, और आप बताइएगा कि आपके घर में कौन से ज्यादा अच्छे लगे। आप उसमें केसर डालो, बादाम डालो, पिस्ता डालो, जो डालना है डालो। तो तमने बधाने हमारा तरफ की हैप्पी दिवाली, दिवाली अने साल मुबारक।